चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और इसकी लाइव क्लास हम लोग चलाने वाले थे बट किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं कर पाए। बट आप याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और लाइव क्लासेस हम लोग जो है दो दिन के बाद हम लोग कर पाएंगे। आज कोई टेक्निकल इशू हो गया इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो बेटा आज का और कल का दोनों का जो वीडियो अपलोड होगा इसको पूरा देखना है आप लोगों को, कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर वीडियो स्किप होगा तो समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखो यहां पे आज हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले कह रहा है, हमने जो आज चैप्टर स्टार्ट किया वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखो, जब भी हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि सर व्हाट इज द मींस मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हमको यह जानना होगा कि इस चैप्टर का मेन मतलब क्या है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है सबसे पहला रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चे को जन्म देता हो, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को जन्म देता हो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच, द प्रोसेस थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब देखो, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को जन्म दे सकता हो इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ये रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो यहां पे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये वर्ड इट इज हमने यूज किया रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये दो टाइप का होता है, पहले को हमने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्लियर हुआ ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रही बात कि सर एसेक्सुअल और सेक्सुअल का क्या मतलब है, तो देखो यहां पे इसका हम डिफरेंस देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब इसके टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लो फटाक से। चलो देखते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का दो टाइप था बेटा, एक था एसेक्सुअल, एक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे विथ डेफिनेशन। याद रखना, सारे में आपका क्वेश्चन छुपा है। अब कह रहा है एसेक्सुअल का, तो देखो कैसे याद रखेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे का जन्म एक पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होगा। मतलब अगर कोई बच्चे का जन्म हो रहा है और उस बच्चे के जन्म के लिए एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसको हम एसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। और अगर
ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़े बच्चे को जन्म देने की, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ। एसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे का जन्म एक पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा हो, और यहां क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे का जन्म दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा हो। क्लियर है, लिखते हैं पहले डेफिनेशन। पहला बेटा डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व्ड और रिस्पॉन्सिबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग भी आप बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व्ड है या एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है बच्चे को जन्म देने के लिए, इसी प्रोसेस को हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया। अब सेक्सुअल में क्या करेंगे वो देखना, पहले द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स are involved to give birth to their young ones। तो देखो डेफिनेशन कैसा है बेटा, क्लियर हुआ ना, यहां एक पेरेंट और यहां पे दो पेरेंट। अपोजिट सेक्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो दोनों अपोजिट सेक्स का हो गया। तो इसमें इस केस में एक मेल और एक फीमेल दोनों होना चाहिए। अब देखो, अब एसेक्सुअल की अगर आप बात करते हैं तो ध्यान देना बेटा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आप क्या करो ना, एक आम के पेड़ के ले लो, मैंगो ट्री को ले लो आप, ठीक है। आम के पेड़ से मान लो कि आम के पेड़ में आम होगा, फिर वहां से गुठली आएगा, उस गुठली को आप लगा दो, एक नया पेड़ आ जाता है ना। तो अब गौर से देखना कि वो जो पुराना वाला पेड़ था, जो पेरेंटल प्लांट था जिससे आपने गुठली को निकाला, और जो गुठली जो बड़ा हुआ, तो दोनों बाद में देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। देखो ऐसे मान लो ये एक मैंगो का प्लांट है, बड़ा सा पेड़ है, हमने क्या किया, इस मैंगो के पेड़ से जो आम हुआ बेटा, इस आम के गुठली को मिट्टी में लगा दिया। अब ये गुठली बड़ा हुआ और बड़ा होकर के क्या हो गया, फिर से एक क्या, एक मिनट बेटा, क्या हुआ, ये गुठली बड़ा हुआ और इससे क्या हो गया, एक पेड़ फिर से क्या बन गया, आम का पेड़ बन गया। ये पेड़ और ये पेड़ दोनों देखने में कैसा लग रहा, एक जैसा। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, देखो क्या यूज करते हैं हम लोग, आपको बताते हैं अभी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा कि ऑफ स्प्रिंग आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बच्चों को लगेगा सर क्लोन का मतलब होता है जुड़वा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा होगा वो हूबहू अपने पेरेंट्स के ही जैसा दिखेगा, एग्जैक्ट कॉपी, जेरोक्स। क्लोन का मतलब क्या होता है, जेरोक्स, जुड़वा, ठीक है। तो जो बच्चा है वो बिल्कुल किसके जैसा दिखेगा, अपने पेरेंट्स के जैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, ऑफ स्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे देखो, अब हम लोग हैं तो हमारे मदर और फादर है ना, हम लोग के सबके क्या है, मम्मी पापा हैं। तो हम लोग मदर फादर से जन्म ले लिए, मदर फादर से जन्म हुआ हमारा। तो अब हम अगर अपने आप को देखें या आप अपने आप को अगर देखिए, तो हम लोग अपने फादर मदर से मिलते जुलते लगते हैं।
जैसे नोज का शेप मिल रहा होगा, माउथ का शेप मिल रहा होगा, है ना, बॉडी का कंस्ट्रक्शन मैच कर रहा होगा, लेकिन क्या हम लोग बिल्कुल अपने फादर के जैसे दिखते हैं क्या? हम लोग बिल्कुल अपने मदर के जैसे दिखते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत मिलते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स से, तो थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे हम लोग दिखते हैं इसको सिमिलर बोलते हैं, और अगर एग्जैक्ट दिखते, बिल्कुल हुबहू दिखते तो क्या बोलते? क्लोन बोलते। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन वर्ड यूज किया हम लोग, और सेक्सुअल में यूज किया हम लोग बेटा सिमिलर। दोनों डेफिनेशन क्लियर है ना? अब थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं हालांकि, बट आप ऐसे समझो कि अगर एसेक्सुअल की बात करें तो ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है ना, जैसे ह्यूमन बींग, जितने भी मैमल्स हैं लगभग, है ना, मैमल, तो सारे मैमल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे, अगर एग्जाम्पल देखते हम लोग अगर, तो ये किसमें देखने को मिलेगा? लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन कौन हो गया बेटा? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीसियम हो गया, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, यूग्लिना भी है, बैक्टीरिया भी है ना। अगर थोड़ा सा आएंगे तो हायर प्लांट के केस में आ जाएगा, है ना, प्लांट के केस में तो पूरा एसेक्सुअल ही होता है। अगर हम सेक्सुअल में आएंगे तो ये हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं? लाइक मैमल्स, मैमल्स डाल सकते हैं आप, है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैमल में ही ऐसा होगा, बर्ड्स के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल होता है, है ना, रेप्टाइल्स के केस में भी हो जाता है मेल फीमेल। तो हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि मैमल, ताकि आप समझ पाए, बाकी आप ऐसे ना सोचे कि सिर्फ मैमल में सेक्सुअल होगा, रेप्टाइल्स में भी होता है, एम्फीबियंस फ्रॉग में भी मेल फीमेल होता है। तो इसका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप एग्जाम्पल लिखेंगे, मैमल भी आ जाएगा, एम्फीबियंस भी आ जाएगा, रेप्टाइल्स भी आ जाएगा, बर्ड्स भी आ जाएगा ना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, है ना, ये सारा किसमें आ जाएगा? आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है? चलो ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपका, अब नोट कर लो इसको। अब देखते हैं हम लोग आगे, एक मिनट बेटा, अब देखिए, अब कह रहा है एक बात समझना यहां पे। अब ये हमको डेफिनेशन तो पता चल गया, है ना, डेफिनेशन किसका क्या है। इस चैप्टर में हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया है, जिसको भी हटा दिया गया सिलेबस से, उसमें एसेक्सुअल पढ़ना था, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे, है ना, आप टेंशन मत लो। फिलहाल इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन के केस में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहां पे, अगर हम देखें तो कहता है कि रिप्रोडक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो दो तरह के हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दो टाइप्स के हैं। कौन कौन हो गया दो टाइप में बेटा? एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दो हो गया ना, एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल। तो हम लोग एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, पहले मेल पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? फीमेल पढ़ेंगे, ठीक है, यहां क्लियर है?
चलो यहां तक क्लियर हो गया। हम मानते हैं कि लाइव क्लास जो है ज्यादा बेस्ट होता है रिकॉर्डेड से, तो हम लोग लाइव, क्योंकि आज फर्स्ट लाइव क्लास करने जा रहे थे अपने चैनल पर, तो इसलिए शायद नहीं हो पाया किसी कारण से, ठीक है ना। तो उसमें टाइमर दिखाया हमने बच्चे को ग्रुप में भी, इसलिए डाला कि आपको लग सके कि हाँ ग्रुप में हमने इसलिए अपलोड किया है, टाइमर था। तो कल हो सकता है शाम तक वो टाइमर खत्म होगा, तो परसों से हम लाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो परसों से हम लोग लाइव करेंगे। तो अभी क्या है ना कि रमजान भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे का इधर उधर क्लास भी रहता है, तो हम एक ऐसा सुइटेबल टाइम रखेंगे जिसमें सारा बच्चा फ्री रहे। तो हम कोशिश करेंगे मॉर्निंग का ही टाइम रखने का, ठीक है ना। तो परसों मतलब कल तक तो रिकॉर्ड, आज का रिकॉर्डेड जाएगा, कल का भी रिकॉर्डेड जाएगा, परसों से आपका एकदम लाइव होगा, क्योंकि मेरा चैनल भी सही हो जाएगा तो फिर चलने लगेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट याद रखना, स्कीप नहीं करना बाबू, आप एक एक चीज को पढ़ना अच्छे से, तभी आपका क्वेश्चंस बन पाएगा, है ना, कॉम्पिटिटिव। क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा, है ना, ये जैसे ही खत्म होगा इससे रिलेटेड सारा सब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव, बोर्ड और नीट दोनों काम करवा देंगे, ठीक है ना। चलो तो हम पहला टॉपिक अब डालते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ गया वो आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखो यहां पे, अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो सबसे पहले हमको जो डिफाइन करना होगा वो होगा सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेक्स ऑर्गन को। तो देखो ये तीन टाइप का हो गया, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एंड द थर्ड वन, तीसरे को हम क्या बोलेंगे बेटा वो ध्यान देना यहां पे, तीसरे को हम बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड। द थर्ड वन इज कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड। अब इसको ध्यान से हम समझेंगे, पहले देखना, पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास प्राइमरी है एसेसरी। एसेसरी जो ये वर्ड लिखा है ना, एसेसरी का मतलब होता है सहायक, मदद करने वाला। आप लिख सकते हैं हिंदी में एसेसरी का मतलब क्या होता है, मदद करने वाला, मदद करने वाला, या इसी को हम बेटा सहायक भी बोलते हैं, जो हेल्प करता हो, हेल्प कर सके, यही एसेसरी का मतलब है, ठीक है। अब एक एक करके एक्सप्लेन। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो कहता है ऐसा ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो स्पर्म को बनाने में हेल्प करता हो। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो ऑर्गन स्पर्म को बनाने में हेल्प करेगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया ना। तो इसका डेफिनेशन पहले देखो तो क्या है, कहता है दोज ऑर्गन, दोज ऑर्गन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, दोज ऑर्गन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म को बनने में हेल्प करता हो, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है। क्लियर हुआ ना, ऐसा ऑर्गन जो स्पर्म को बनने में हेल्प करता हो तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, हम वो लिख देंगे आपको, ये यहां पे देखना लिख देते हैं हम आपको। एक वर्ड है आपसे पूछेगा एग्जाम में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का मतलब स्पर्म हो गया और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो स्पर्म का बनना को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अब यहां पे देखो दूसरा आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब, ऐसा पाइप, ऐसा डक्ट जो स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता हो, तो वैसे पाइप को, वैसे डक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो तो यहां लिख रहे हैं, दोज डक्ट और पाइप, दोज डक्ट और पाइप विच कैरी,
विच कैरी स्पर्म, विच कैरी स्पर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता हो उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं आएगा है ना, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे डायग्राम बना के तो ये सारा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए टेंशन मत लेना, बट अभी आप समझ लो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस किस पाइप को कहते हैं। तो इसमें जैसे कि बेटा आपको आ गया वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, इपीडाइडमस, इपीडाइडमस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा है ना। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब क्यों बोलते हैं इसका हम डायग्राम से आपको बताएंगे। एसेसरी ग्लैंड है, तो ऐसा ग्लैंड देखना ध्यान से, ऐसा ग्लैंड जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको हम एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं है ना। दोज ग्लैंड विच प्रोवाइड, विच प्रोवाइड नरिशमेंट, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। नरिशमेंट का मतलब क्या हो गया, नरिशमेंट का मतलब क्या हुआ, तो नरिशमेंट का मतलब हुआ वो स्पर्म को क्या करेगा, कुछ इंजाइम्स देगा ताकि स्पर्म थोड़ा हेल्दी हो सके, स्पर्म जल्दी मैच्योर हो जाए ना, नरिशमेंट दे करके उसको मैच्योर करेगा, जल्दी तैयार करेगा। तो इसमें ना बेटा तीन ग्लैंड है, आपको तीन ग्लैंड याद रखना पड़ेगा। जैसे एक हो गया सेमाइनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक हो गया काउपर्स ग्लैंड। तीन ग्लैंड का नाम याद रखना आपको, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो काउपर्स ग्लैंड का ही जो दूसरा नाम है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी का मतलब मदद करने वाला, तो जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो स्पर्म को हेल्प करेगा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेसरी ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और क्या हो गया बेटा, काउपर्स ग्लैंड हो गया, या इसी को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों क्लियर हुआ ना पूरा का पूरा, हाँ ये तीनों क्लियर हो गया। तो इसको फटाक से मेंशन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आइए, अब देखिए हमारे पास ये फिगर आपको नजर आ रहा होगा है ना, इस फिगर को हम जरूर समझेंगे पहले है ना। तो इस फिगर को समझने से पहले आपको हम एक रफ फिगर बनाएंगे अपने हाथों से, ठीक है। उस रफ फिगर के बाद ये फिगर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऐसा ही फिगर आएगा और आपको इसी को लेबल करना होगा, ठीक है ना। तो हम पहले आपको खुद से फिगर बना के दिखाते हैं कैसा क्या होता है, फिर आप इस फिगर के ऊपर आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए तो देखिए, अब आया हमारे पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखना बेटा, ये फिगर जो आपको हम बना रहे हैं, ये फिगर आपके सिर्फ कंपटीशन के लिए हेल्पफुल है, मतलब इस फिगर से आपके नीट का, आपके मेडिकल का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड के लिए ये फिगर नहीं बनाना होगा, बोर्ड के लिए वो फिगर जो अभी आपको बताए थे वो बनाना होगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको फिगर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर देखो कैसे बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा यहां पर ऐसे करके एक टेस्टिस बना रहे हैं हम लोग। देखो यहां पर ये हमने टेस्टिस बनाया, आपको हम बताएंगे सबके बारे में फिलहाल समझो। और ये टेस्टिस के चारों तरफ एक स्क्रॉटम का लेयर है,
ठीक है, चारों तरफ किसका लेयर है, स्क्रॉटम का लेयर है। अब देखना ध्यान से, कहता है अब यहां पर ये ऐसे, याद रखना इस फिगर से, ये फिगर आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनाना है। ये फिगर आपको कब बनाना है बेटा, ये फिगर आपको बनाना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हम ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फिगर बता रहे हैं हम आपको। और मेरे साथ साथ बिल्कुल फिगर मत बनाइएगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो। आपको हम पूरा फिगर बनने के बाद अच्छे से देखो कैसे बन रहा है, फिर आपको फिगर को बनाना है। ठीक है ना, अब देखो एक एक करके पहले हम बेटा फिगर को एक्सप्लेन भी करते जाते हैं साथ साथ, तब जाके आपको क्या होगा थोड़ा सा अच्छा भी समझ में आते रहेगा। देखो यहाँ पे अब फिगर को एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या होता है ना कि एक आप अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो सबसे पहले एक स्क्रॉटम नजर आएगा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले के आकार में होता है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो आपने ये जो ब्लैक कलर का हमने बना रखा है ना बेटा, इसको स्क्रॉटम बोलते हैं हम लोग, इसी को हम क्या बोलते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, तो स्क्रॉटम क्या है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में या किनारे में आपको मेंशन भी कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्क्रॉटम को, तो स्क्रॉटम के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, कहता है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक पेयर का मतलब एक जोड़ा, दो पीस आया टोटल। तो एक स्क्रॉटम के अंदर टोटल कितना टेस्टिस हो गया, दो टेस्टिस हो गया। अब देखो अब दूसरा क्या कहता है स्क्रॉटम के बारे में, कहता है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ये टेस्टिस को छोटे मोटे इंजरी से बचाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखेगा, मेन काम स्क्रॉटम का। ठीक है ना, मेन काम क्या हो गया, स्क्रॉटम टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखेगा। कम रखने का मेन मकसद क्या हो गया, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। देखो क्या है मतलब कि जैसे स्क्रॉटम बाहर की तरफ होता है, टेस्टिस भी बाहर की तरफ, ठीक है, तो स्क्रोटम क्या करता है ना कि उस टेस्टिस के टेम्परेचर को कम कर देता है। अगर मान लो किसी आदमी के बॉडी का टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री सेल्सियस, एज एग्जांपल 28 डिग्री सेल्सियस है, तो कभी भी टेस्टिस का टेम्परेचर 29 नहीं हो सकता है, कभी भी 28 नहीं हो सकता है, नहीं तो स्पर्म बनेगा ही नहीं। तो बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उससे स्क्रोटम का टेस्टिस का टेम्परेचर कम होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम अभी लिख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, पहला इट प्रोटेक्ट टेस्टिस फ्रॉम सम स्मॉल इंजरी। अब ये सम स्मॉल इंजरी का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चोट वोट लगने से बचा लेगा, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत इंफेक्शन से, हल्का फल्का इंफेक्शन से मतलब उसको बचाता है। मेन काम सुनना बेटा स्क्रॉटम का क्या है, इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस ऐसे लिखते हम लोग इसको, देखो तो इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस
बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, देन बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब समझो क्या हुआ, कहता है ये रेगुलेट करता रहता है। रेगुलेट मतलब क्या हो गया ना, कि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि फिक्स रखेगा, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। इसको हम देखो इधर आपको आगे बता रहे हैं, यहां देखो कैसे है। सपोज करो क्या, मान लो किसी के ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर बेटा मान लो 28 डिग्री है, ठीक है, मान लो 28 डिग्री है किसी के बॉडी का टेम्परेचर, किसी के बॉडी का टेम्परेचर 28 है। अब क्या हुआ कि और यहीं पर टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा, टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होगा, तो हम 27 डिग्री ले लेते, सॉरी 26 डिग्री ले लेते मान लो, ये टेस्टिस का टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर बॉडी का टेम्परेचर आपका मान लो 35 पहुंच गया, सपोज करो 35 पहुंच गया, तो ये भी ऊपर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा। तो देखो टेस्टिस का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है, स्क्रोटम, लेकिन बढ़ तो रहा है 35, जब बॉडी का टेम्परेचर 35 हो गया तो टेस्टिस का भी टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हमेशा इससे इसकी टेम्परेचर क्या है, कम है ना, कम है। अब कोई पूछेगा क्यों कम होने से क्या फायदा है, अगर टेस्टिस का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो स्पर्म कभी बनेगा ही नहीं, तो स्पर्म को बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस के टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है ना, इसको हम लिख देंगे आपको, यहां देखो पहले तो इसको हम आपको क्या करेंगे, लिख भी देंगे, है ना, तो आपको आसान हो जाएगा इससे पढ़ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब आओ, अब देखो इसके बाद हम आपको एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, हम क्या लिख देंगे, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर ऑफ देखो टेम्परेचर ऑफ एक मिनट अब ठीक है, अब क्या कहा, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन टेक्स प्लेस। अब क्या हुआ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का क्या बनना, तो स्पर्म का बनना को ही हम लोग क्या बोल दिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब आपको पता चल गया क्यों जरूरी है, क्लियर हुआ ना, चलो यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको, कर लो, आइए अब आगे सुनिएगा, अब जस्ट पीछे चलते हैं हम लोग। यहां देखो हम लोग स्क्रोटम के बारे में क्लियर कर लिए, स्क्रोटम का क्या क्या काम है एक नंबर में। दूसरा देखो, जो येलो कलर का यहां आपको दिख रहा होगा, हमने जो येलो कलर का बना रखा है इसको डाटोस मसल बोलते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है नहीं, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट आपको जानना चाहिए, है ना, डाटोस मसल बोलते हैं। अब देखो डाटोस मसल को हम एक्सप्लेन करते हैं, देखना दूसरा जो है वो है डाटोस मसल, ये बेटा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, ठीक है।
तो जरूरत है नहीं, आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट आपको जानना चाहिए इसका कुछ रोल है। अब समझो कैसे रोल है, देखना ध्यान से। ये स्क्रॉटम हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये येलो वाला डार्टोस मसल है। डार्टोस मसल क्या करता है कि जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएट का मतलब बढ़ेगा या घटेगा, जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, डार्टोस मसल क्या करेगा, टेस्टिस को ऊपर ले जाएगा फिर नीचे ले आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। फिर से, डार्टोस मसल का मेन काम क्या है, ये टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर, जब तक इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में मेंटेन ना हो जाए। डार्टोस मसल क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं इसको हम लोग, देखो क्या कहता है। इट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्स, रिलैक्स मतलब बेटा फैल जाना, एक्सपेंड कर देना। इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द टेस्टिस, इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द टेस्टिस अंटिल अंटिल द टेम्परेचर ऑफ The temperature of testis will maintain. जब तक maintain नहीं होगा तब तक ये ऐसा करता रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, body के temperature को, sorry, बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बेटा, टेस्टिस के टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जो बोल रहे हैं उससे सुन के भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डार्टोस मसल का काम? तो ये येलो वाला डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, इसके बीच में टेस्टिस है, तो ये क्या करेगा, फटाक से उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, और ये ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक टेस्टिस का टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर के लगभग मेंटेन ना हो जाए। बात समझ गया ना? और जब तक ये मेंटेन नहीं होगा तब तक करता रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि मतलब ऐसा वो इसलिए कर रहा ताकि स्पर्म आसानी से बन जाए, जल्दी बन जाए। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो स्पर्म को बनने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना, स्पर्म बनेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ ना आपका? चलो अब देखो तीसरे टॉपिक की बात करते बेटा। ये जो हमने बना रखा है ये टेस्टिस है, यही है टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, तो अब देखो हम टेस्टिस के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। टेस्टिस क्या है, हमारा स्क्रॉटम क्लियर हो गया, डार्टोस मसल क्लियर हो गया, अब थर्ड नंबर में हम टेस्टिस पे आए। चलो तो देखो यहां पे, अब थर्ड नंबर में अगर हम एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में टेस्टिस के बारे में उसकी लंबाई, उसका विड्थ, ये सब भी लिख रखा है, जो आता है पूछता ही है क्वेश्चन एग्जाम में, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, है ना। तो फिलहाल हम पहले देखो किस बातों को जानते हैं वो समझो। कहता है कि जो टेस्टिस है, क्योंकि अभी हम क्या है ना बेटा, ये एक घंटे का क्लास है, है ना, तो अगर हम टॉपिक शुरू तो कर देंगे फिर खत्म होगा नहीं, ये लंबा टॉपिक है तो फिर बाद में हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना। तो आप ऐसे समझो, हर बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, हम जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे हम उसका सारा बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराएंगे, दोनों का होगा, है ना, यहीं पे करवाएंगे। तो एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए, और कल तक की प्रॉब्लम है, है ना, आज और कल दो दिन का प्रॉब्लम हो गया जो लाइव नहीं ले पा रहे हम। थर्सडे से, बृहस्पतिवार से लाइव क्लासेस चलेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल रिलैक्सेबल टाइम होगा जिसमें बच्चे सारे रिलैक्स हो, जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, है ना, वो सारे बच्चे जब रिलैक्स होंगे उसी में टाइम में क्लास चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोशिश करेंगे हम लोग दोपहर में क्लास ले लेने का, जैसे कि 2 बजे से, है ना, ऐसा 2 से 3 वैसा टाइम हो जाएगा मेंटेन, ठीक है।
या फिर मॉर्निंग में भी रख लेंगे या फिर, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, इसका नोट एक अच्छे से होना चाहिए, और अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। कमेंट में भी पूछ सकते हो, जवाब बिल्कुल मिल जाएगा डाउट का कमेंट में भी, क्लियर है ना। या ग्रुप में जो बच्चे हैं तो हम ग्रुप को ओपन भी कर देंगे, तो ग्रुप में भी वो क्वेश्चन पूछ करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो कल हम लोग फिर से मिलेंगे, और कल मतलब फिर से वीडियो जाएगा, आज और कल दोनों अपलोडेड जाएगा, फिर परसों से चलेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट एवरीवन।